देवरा के हुंकार से थर्राया बॉक्स ऑफिस, टूटा स्त्री 2 का रिकॉर्ड, बनी 2024 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म। सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की देवरा पार्ट 1 रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई है। पहले दिन फिल्म ने देश भर में जबरदस्त बिजनेस किया है। इसके साथ ही देवरा पार्ट 1 ने हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 का रिकॉर्ड तोड़ साल 2024 की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की एक्शन थ्रिलर फिल्म देवरा पार्ट 1 का दस्तक दे चुकी है। ये मूवी 27 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। देवरा पार्ट 1 में जूनियर एनटीआर के साथ जानवी कपूर ने काम किया है। रिलीज के साथ ही देवरा पार्ट 1 बॉक्स ऑफिस पर छा गई है और पहले दिन ही ताबड़तोड़ बिजनेस कर लिया है। इसके साथ ही जूनियर एनटीआर की फिल्म ने स्त्री 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जूनियर एनटीआर की देवरा पार्ट 1 साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट दिया है। फिल्म के पहले दिन की कमाई का आंकड़ा भी सामने आ गया है। ट्रेंड वेबसाइट के मुताबिक देवरा पार्ट 1 ने पहले दिन देश भर में 82.5 करोड़ रुपए का ताबड़तोड़ बिजनेस किया है। फिल्म की सबसे ज्यादा कमाई तेलुगु भाषा में हुई है। एक्शन थ्रिलर फिल्म देवरा पार्ट 1 ने तेलुगु में करीबन 73.25 करोड़, कन्नड़ में 35 लाख, तमिल में 1 करोड़ और मलयालम भाषा में करीबन 40 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया है। वहीं अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में देवरा पार्ट 1 की टोटल कमाई 7.5 करोड़ रुपए हो गई है। प्रभास की कल की 2819 AD के बाद देवरा पार्ट 1 साल 2024 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है। कल की 2819 AD ने भारत में रिलीज के पहले दिन 95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। हालांकि जूनियर एनटीआर की फिल्म ने राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जिसने पहले दिन भारत में 55 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। फिल्म में खलनायक बने सैफ अली खान। वैसे आपने ये मूवी अगर देख ली है तो हमारे साथ ये एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों आपको बता दे कि जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर की देवरा पार्ट 1 में सैफ अली खान ने भी काम किया है। उन्होंने फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाई है। सबसे खास बात ये नजर आई कि मूवी में जूनियर एनटीआर ने डबल रोल निभाया है। इसके अलावा इसमें आपको प्रकाश राज, श्रीकांत मेहका और श्रुति मराठे जैसे सितारे भी नजर आएंगे। देवरा पार्ट 1 का डायरेक्शन कोरताला शिवा ने किया है। आई एम श्योर मेरी तरह ये भी आपके फेवरेट मूवी में से एक होने वाली है, तो जल्द जल्द इसे जरूर देखकर आइए। अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। बस आपको स्त्री 2 मूवी कैसी लगी थी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फेसबुक पेज पर नए हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिए।